गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंसी नोट प्रेस की तरफ से निकाली गई जॉब अपडेट के बारे में। करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, वेरियस पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्या फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती हैं इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑफिशियल नोटिस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये करेंसी नोट प्रेस की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वेरियस पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें जो वैकेंसीज रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, जिसमें पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1 रहने वाली है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर आपने कर रखी है आर्ट्स में तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मैक्सिमम एज रहने वाली है 18 से लेके 30 यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे रहेगा, जो आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, सुपरवाइजर आपकी रहने वाली है, टेक्निकल कंट्रोल की रहेगी लेवल S1 की, 27,600 से लेके 95,910 तक रहने वाली है। इसमें टोटल वैकेंसीज 10 रहेंगी। फर्स्ट क्लास आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, प्रिंटिंग आपका यहाँ पे डिसिप्लिन रहेगा, हायर क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक आपने कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तो आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी। जो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज रहेगी 18 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 30 यहाँ पे रहने वाली है। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट रहने वाली है सुपरवाइजर की रहेगी, टेक्निकल ऑपरेशन की रहेगी प्रिंटिंग में, यहाँ पे भी आपकी 5 पोस्ट रहने वाली है। आपका फुल टाइम डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, 18 से लेके 30 आपकी एज रहने वाली है, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे रहेगा। सुपरवाइजर की नेक्स्ट पोस्ट रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज में, यहाँ पे आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पे आपके पास जो वो होनी चाहिए। उसके अलावा आपको 18 से लेके 30 आपकी यहाँ पे जो एज रहेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। उसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट रहेगी सेक्रेटरी असिस्टेंट की रहेगी, जिसमें लेवल B4 का आपका यहाँ पे स्केल रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,910 से लेके 85,570 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। 1 पोस्ट रहेगी ग्रेजुएट अगर आप हैं, मिनिमम डिसिप्लिन आपका जो यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, स्टेनोग्राफी आपके पास यहाँ पे जो हिंदी एंड इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट आपके पास जो स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में आपकी जो रहेगी वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट रहेगी। उसके अलावा 18 से लेके 28 मैक्सिमम एज रहेगी, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफी रहेगा, टाइपिंग टेस्ट आपका रहने वाला है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो पोस्ट रहेंगी 6 पोस्ट रहेंगी, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ में। बाकी यहाँ पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, 18 से लेके 28 आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। एंड यहाँ पे जो आपका रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन की रहेगी, इसमें आपकी जो पोस्ट रहने वाली है 104 पोस्ट रहेंगी, काफी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। फुल टाइम यहां पर आपकी जो रहेगी वो आपकी ITI रहेगी प्रिंटिंग में, जिसने भी ITI कर रखी है प्रिंटिंग में वो यहां पे अप्लाई कर सकता है। 18 से लेके 25 यहां पे मैक्सिमम एज रहने वाली है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। लास्ट पोस्ट यहां पे रहेगी जूनियर टेक्नीशियन की वर्कशॉप में, यहां पे आप पे स्केल देख सकते हैं, यहां पे जो पोस्ट रहने वाली है मैकेनिकल में 8 रहेंगी, एयर कंडीशनिंग में आपकी 2 पोस्ट रहेंगी, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 5 रहेंगी, एंड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 4 पोस्ट रहने वाली है। फुल टाइम आपकी यहाँ पे जो वो ITI होनी चाहिए मैकेनिकल में, उसके अलावा एयर कंडीशनिंग में या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल में है इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25 यहाँ पे मैक्सिमम एज रहेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी सिलेक्शन की जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट रहेगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा, वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद में आपका यहाँ पे लिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बाकी की डिटेल के बारे में बात करें, बाकी सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसकी जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो आपकी 4/1/2022 रहेगी, एंड क्लोजिंग डेट इसमें 25/1/2022 रहने वाली है।
उसके अलावा जो आपका ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग वेबसाइट का रहेगा लिंक का, वो आपका 4/1/2022 से लेके 25/1/2022 यहाँ पे रहने वाला है। पेमेंट फीस की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो भी आपकी सेम रहने वाली है। जो एग्जाम रहेगा उसके अलावा मार्च 2022 में आपका टेंटिविट डेट आपकी यहाँ पे दी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अपर एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी एज पर रूल आपको यहाँ पे दी जाएगी। एग्जामिनेशन जो फीस आपकी रहने वाली है वो आपकी 600 रुपीज रहेगी, नॉन रिफंडेबल आपकी रहने वाली है। EWS अनरिजर्व कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए रहेगी। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए आपकी 200 रुपीज जो वो फीस यहाँ पे रहने वाली है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपका जो रहने वाला है 120 मिनट्स का आपका यहाँ पे रहेगा, जिसमें एग्जामिनेशन आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, 200 मार्क्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए भी आपको सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, डिटेल में आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पे सुपरवाइजर आपका TO प्रिंटिंग की पोस्ट के लिए रहेगा उसमें भी अलग से आपको दिए गए हैं। सुपरवाइजर जो आपका OL की पोस्ट के लिए रहेगा वो अलग से आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी सेक्टरियल असिस्टेंट के लिए जो रहेगा 160 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें 160 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 120 मिनट्स का। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाकी आपका जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो आपका बाद में लिया जाएगा। जो आपका यहाँ पे पेपर्स रहने वाला है बायलैंग्वेज रहेगा आपका इंग्लिश एंड हिंदी में, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको सारा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपका मेरिट बनेगी वो आपकी अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, OBC कैटेगरी के लिए 50%, SC ST कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स आपके पास पे होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। जो टाइपिंग टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा वो वेरियस सेंटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें जो वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्म को अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली वहां से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट मैंने आपको डिस्कस कर दी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 25/1/2022 से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पेमेंट चार्जेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो वो पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये सारा ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी जो वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक।